गुजर जाएगा। मुश्किल बहुत है मगर वक्त ही तो है, गुजर जाएगा। महानायक अमिताभ बच्चन कोरोना पॉजिटिव है, साथ ही उनके बेटे अभिषेक बच्चन की रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव आई है। दोनों को नानावटी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। देश भर में उनके लिए दुआएं मांगी जा रही है। फैंस उनके लिए रुद्राभिषेक करवा रहे हैं ताकि वो जल्द स्वस्थ हो जाए। इन सबके बीच अमिताभ बच्चन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में वो उम्मीद से भरी एक कविता पढ़ रहे हैं। उन्होंने कोरोना को चेहरा बदल कर आई मौत बताया है। वो कह रहे हैं ये वक्त थोड़ा मुश्किल ज़रूर है लेकिन ये भी गुजर जाएगा। मुश्किल बहुत है मगर वक्त ही तो है, गुजर जाएगा। गुजर जाएगा, गुजर जाएगा। मुश्किल बहुत है मगर वक्त ही तो है, गुजर जाएगा, गुजर जाएगा। जिंदा रहने का ये जो जज्बा है फिर उभर आएगा, गुजर जाएगा, गुजर जाएगा। माना मौत चेहरा बदल कर आई है, माना मौत चेहरा बदल कर आई है, माना रात काली है भयावह है गहराई है, लोग दरवाजों पे रस्तों पे रुके बैठे हैं, लोग दरवाजों पे रस्तों पे रुके बैठे हैं, कई घबराए हैं सहमे हैं छिपे बैठे हैं, मगर यकीन रख ये बस लम्हा है, दो पल में बिखर जाएगा। जिंदा रहने का ये जो जज्बा है फिर असर लाएगा। मुश्किल बहुत है मगर वक्त ही तो है, गुजर जाएगा, गुजर जाएगा। दरअसल अमिताभ बच्चन ने वीडियो 8 जुलाई को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया था। कोरोना महामारी के इस दौर में लोगों का हौसला बढ़ाने और उनका धीरज बांधने के लिए वीडियो का मकसद था संकट के इस दौर में पॉजिटिविटी फैलाना। इस कविता को खुद अमिताभ बच्चन ने नैरेट किया है। आपको बता दें कि ये कविता लगभग 8 मिनट के एक गाने का छोटा सा हिस्सा है जो कि माई गॉव इंडिया की तरफ से जारी किया गया था। बताया गया है कि इस गाने से जो भी कमाई होगी वो पीएम केयर्स फंड में दान दिया जाएगा। इस गाने को बॉलीवुड के 65 से ज्यादा सेलिब्रिटीज पर भी फरमाया गया है। गाने को सिद्धांत कुशल ने लिखा है जबकि इसके धुन जजीम शर्मा ने बनाई है। दरअसल कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद बिग बी को शनिवार शाम मुंबई के नानावटी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। उनके साथ उनके बेटे अभिषेक बच्चन भी एडमिट है। अस्पताल के पीआरओ के मुताबिक बच्चन की कोरोना वायरस के माइल्ड लक्षण दिखे हैं, उनकी सेहत स्थिर है और इलाज किया जा रहा है, वेंटिलेटर की उन्हें कोई ज़रूरत नहीं है। खैर इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। इसके साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल द जेड प्लस को सब्सक्राइब कर लें और अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और फॉलो करें। शुक्रिया।